योर फेवरेट चैनल फिजिक्स कॉम और मैं हूं आपके साथ आपका फिजिक्स टीचर दीपक। आज का जो आज कोई लेक्चर नहीं होने वाला है, आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है होने वाली है और वो है डिस्कशन जो सिलेबस पर है। अभी जैसे कि आप लोग जानते हैं COVID-19 बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और पूरे देश में हर जगह है, जिसकी वजह से हमारा एजुकेशनल सिस्टम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और बहुत डिस्टर्ब था, जिसकी वजह से हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री पोखरियाल जी ने ये फैसला किया कि सिलेबस को 30% किसी भी तरीके से रिड्यूस किया जाए। सब लोग पढ़ाई पहले चालू हो चुके थे, सब लोगों ने काफ़ी चैप्टर कंप्लीट भी कर लिए होंगे, लेकिन मुझे घबराने की जरूरत नहीं। जो आपने सिलेबस कम लिया वो कभी बेकार नहीं होता, जो आपने एक्स्ट्रा पढ़ लिया है वो कभी बेकार नहीं जाता, वो अच्छी बात है आपके नॉलेज के लिए, आपको नॉलेज को एनहेंस करेगा। CBSE लगातार सिलेबस कम करता चला जा रहा है, इससे पहले सिलेबस बहुत ज़्यादा था, उसके बाद आज से 2 साल पहले आपके कम्युनिकेशन चैनल फिजिक्स के अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम को हटा दिया गया, उसके बाद उसमें से कुछ टॉपिक जो सेमीकंडक्टर लास्ट ईयर जो है सेमीकंडक्टर में से आपके ट्रांजिस्टर वाला पार्ट हटा दिया गया, बहुत सारे धीरे धीरे सिलेबस रिड्यूस होता चला जा रहा है। अगर देखा जाए तो ये स्टूडेंट के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन इस समय हम जिस परेशानी में हैं वहां मैं यही कहूंगा कि उसे हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के पढ़ाई बिल्कुल हो नहीं पा रही है। ऑनलाइन सिस्टम ठीक है, स्कूल्स ऑनलाइन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्यूटर्स ऑनलाइन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम खुद ऑनलाइन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो फिजिकल अपीयरेंस होती है वो कम से कम ऑनलाइन से तो पूरी नहीं हो सकती। डाउट क्लियरिंग क्लासेस कोशिश की जा सकती है मिनिमाइज करने की, लेकिन अगर मैं कहूँ कि 100% रिजल्ट आएंगे तो 100% रिजल्ट कभी भी आपको ऑनलाइन नहीं मिल सकते। आज बच्चों जो बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं, CBSE ने अपना 30% कैरिकुलम को रिड्यूस, सिलेबस को रिड्यूस करके, सीनियर 9 to 12 को रिड्यूस करके सिलेबस को हमें प्रमोट सिलेबस पोस्ट कर दिया है। और अब आपके लिए वो बहुत जानना, आप लोगों के लिए भी जानना वो बहुत जरूरी है कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो फिजिक्स के अंदर हटा दिए गए हैं। 12th class की मैं बात कर रहा हूँ, 12th class में, 11th class में, 10th class के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो 10th class के अंदर साइंस के अंदर कोई चेंजेस नहीं किया गया, और वो आपके पास CBSE में आपको अपने इस लेक्चर के बॉटम लाइन पर वो लिंक दे दूंगा, जिससे आप सीधा रिलेटेड टॉपिक देख पाएंगे CBSE द्वारा किए गए। आपके जो नया सिलेबस जो रिवाइज सिलेबस है दैट यू कैन ऑल्सो सी थ्रू CBSE साइट, तो आई वुड बी गिविंग यू दैट लिंक, इट इज ऑलरेडी बीन देयर। सो चिल्ड्रन, we should know about the syllabus and about the topic that had been reduced, जो हट चुके हैं, हमें किन किन टॉपिक को पढ़ना है, सिलेबस में क्या क्या नए चेंजेस आए हैं। तो मैं अपने नॉलेज के लिए अगर बताऊं तो प्रैक्टिकल में शुरुआती दौर में जब 2021 का सिलेबस जब पहली बार आया था तो उसमें भी प्रैक्टिकल में कुछ चेंजेस थे, और प्रैक्टिकल में जो चेंजेस थे वो ये कि पहले आपको दोनों में से मिला के 15 प्रैक्टिकल करने थे, लेकिन CBSE ने रिड्यूस करके 12 सेक्शन ए सेक्शन बी में से कर दिया। थ्योरी पार्ट में कोई चेंज नहीं था, लेकिन प्रैक्टिकल पार्ट में चेंजेस था। लेकिन बच्चों अब CBSE ने थ्योरी पार्ट में भी और प्रैक्टिकल पार्ट में भी दोनों में चेंजेस कर दिए। इनफैक्ट दे हैव ट्राइड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पीरियड्स विच वर इनिशियली 150, नाउ दे हैव बीन रिड्यूस्ड इनटू 116 पर रिड्यूस कर दिए, ताकि लेक्चर कम समय में सिलेबस कंप्लीट हो सके और सिलेबस समय रहते रहते पूरा हो सके। तो बच्चों लेकिन इसलिए कैरिकुलम का एक स्टूडेंट के जानना बहुत जरूरी होता है, कितना वो तैयार करे, कैसे वो तैयार करे। हाँ, सिलेबस रिड्यूस करना जैसे मैंने कहा एक अच्छा संकेत नहीं होता, लेकिन परेशानी के अंदर हर चीज अच्छी लगती है। हम जिस परिस्थिति में इस समय है वहां पर हमें सिलेबस को रिड्यूस करना ही पड़ेगा। तो बच्चों हम जो आज देखने वाले वो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये देख लें कि सिलेबस में क्या क्या रिड्यूस हो चुका है। नया कैरिकुलम तो CBSE के साइट पर भी गिरा हुआ है, लेकिन व्हाट वी रिक्वायर इज टू कंपेयर, हमें उन्हें कंपेयर करना चाहिए। जो 2021 का जो शुरू में इनिशियल जो सिलेबस आया था उसको ही मैंने यहाँ पे आपको कंपेयर करूंगा और उसमें मैं चेंजेस करूंगा, ताकि उस चेंजेस को आप देख सके, हाँ भाई 2021 में ये सिलेबस आया था और उसमें कौन कौन से टॉपिक है। क्योंकि अगर मैं नया ही सीधा उस अगर आपको कर दूं तो आप कभी कंपेयर नहीं कर पाओगे कौन कौन से टॉपिक हट गए। तो इट्स वेरी नेसेसरी फॉर टीचर टू मेक यू द स्टूडेंट नो अबाउट दैट। सो बच्चों
हम ये देखेंगे कि आपके 2021 के अंदर जो पहला सिलेबस आया था और जो अब सिलेबस आया है उन दोनों में क्या चेंजेस आए हैं। तो बच्चों उसको देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो बच्चों अब मैं शुरू करूंगा आपके साथ जो सिलेबस में नए नए चेंजेस हमारे पास आए हैं, कौन कौन से सिलेबस में चेंजेस आए हैं और जो को आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो बच्चों जैसे कि हम देखें, जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास सीबीएसई ने रिवाइज सिलेबस है हमारे पास और माध्यमिक शिक्षा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, भारत सरकार ने कुछ रिवाइज सिलेबस कैरिकुलम लिया है डिडक्टेड टॉपिक, और आपको इस लेक्चर के दौरान ये लिंक मिल जाएगा। ये सीबीएसई का लिंक है, ये आपको दिख रहा होगा सीबीएसई का लिंक है जिससे आप डायरेक्ट क्लिक करके आप सीबीएसई की साइट पर जा सकते हैं और सीबीएसई की साइट पर सीधे जो अपडेटेड सिलेबस है। और मेन चीज ये है कि आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जितने भी प्रैक्टिकल में कई सारे प्रैक्टिकल में चेंजेस हैं, आपके पास और बहुत सारे चेंजेस आए हैं, वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो बच्चों शुरू करता हूं, मैं आपको बताऊं कि शुरुआत में ही मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी मैंने यहां पर 2021 का जो शुरू में सिलेबस रखा गया था उसको मैंने यहां पे रखा है और उसमें मैंने चेंजेस किए हैं जिसके लिए मैंने रेड सिंबल का इस्तेमाल किया है ताकि आप आराम से उनको डिटेक्ट आके जान सके कौन कौन से टॉपिक डिडक्टेड है। तो सबसे पहली बात तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि नंबर ऑफ यूनिट पहले भी आपके पास 9 थी और अभी भी ये बच्चों 9 ही है, पहले भी 9 थी और अब भी 9 है। तो यूनिट तो कोई रिड्यूस नहीं किए, हाँ यूनिट के अंदर से कुछ हमने टॉपिक को रिड्यूस कर दिया गया है, रिड्यूस करें यानी एनसीईआरटी के हिसाब से। तो आपके पास चैप्टर थे वो आपके पास 14 थे और अभी भी 14 ही है, ठीक है, और यूनिट 9 थी एज पर रिफ्रेशर तो अब भी है। अब एक एक करके चलते हैं जो चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में ये आपका सीबीएसई कैरिकुलम है जिसमें से एक टॉपिक है जिसका नाम है यूनिफॉर्म चार्ज थिन स्फेरिकल सेल फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड। तो ये आपके पास ये एप्लीकेशन हुआ करती थी गॉस थ्योरम की जिसे अब सिलेबस से हटा दिया गया है, अब इसको सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है जिसे मैंने रेड मार्क किया हुआ है, दैट इज द टॉपिक व्हिच हैज बीन रिड्यूस फ्रॉम द दैट हैड बीन डिडक्टेड फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर एनसीईआरटी। तो चैप्टर नंबर 1 में से चेंजेस हैं आपके पास। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो सेकंड चैप्टर था हमारे पास एंस्पेरेंस एनसीईआरटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस, बच्चों इसके अंदर किसी भी तरीके का चेंज नहीं किया गया है, कोई भी टॉपिक इसमें से नहीं हटाया गया है, सारे टॉपिक एज इट इज है। नेक्स्ट यूनिट यानी एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर जो है बच्चों, इसके अंदर से आपके पास आप देखोगे कि इसमें जो रजिस्टोर वाला पार्ट था जिसमें आप रजिस्टोर को कैलकुलेशन किया करते थे, आपको सीरीज और पैरेलल के न्यूमेरिकल किया करते थे, प्लस उसमें आप कार्बन कलर कोडिंग सिस्टम किया करते, रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग सिस्टम किया करते, जिससे आप ये डिटरमाइन करते थे कि आपने आप कैसे पता लगाओगे कि कोई रजिस्टोर कितने ओम का है। तो मैनुअली हम इसको बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वाली बात जो करते वाले टॉपिक पे हमने यहाँ पे क्या किया है, कार्बन रजिस्टोर वाला ये टॉपिक है बच्चों, ये आपका कार्बन रजिस्टोर वाला जो टॉपिक है, कार्बन रजिस्टोर कलर कोड सिस्टम, और ये आपके पास ये टॉपिक जो है ये सिलेबस से डिडक्ट कर दिया गया है, ठीक है बच्चों। और इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल्स है वो है लेकिन सिलेबस में, उनमें चॉइसेस दे दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो बच्चों जो है आपके पास यहाँ पे आपको समझने वाली चीज है, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर सिलेबस में था लेकिन अब इसका क्वालिटेटिव आइडिया ही रह गया है। क्वालिटेटिव आइडिया का मतलब है प्रैक्टिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस इसमें आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट नॉलेज आपका होना चाहिए लेकिन हाँ इतना डीप में नहीं, ऐसे ही पोटेंशियोमीटर के साथ भी है। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास जो यूनिट है, यूनिट 4 जो है हमारे पास, वो है हमारे पास मूविंग। यूनिट 3 हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मैग्नेटिज्म यानी चैप्टर 4 एज पर एनसीईआरटी, इसमें से सारे टॉपिक एज इट इज है, केवल साइक्लोट्रॉन नाम का टॉपिक जो है वो सिलेबस से हटा दिया। ये एक जो हमारे पास टॉपिक हुआ करता था मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में, उसकी एप्लीकेशन हुआ करती थी जो साइक्लोट्रॉन इस पर बेस्ड होता था, वो साइक्लोट्रॉन को सिलेबस से डिटेक्टेड किया गया है। तो नेक्स्ट जो चेंज किया गया चैप्टर 4 में थे वो है साइक्लोट्रॉन को रिमूव कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 5 में से बच्चों यहां पर आपके पास जो टॉपिक था मैग्नेटिक इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी
due to magnetic dipole along its axis and perpendicular to the axis and torque and magnetic dipole in a uniform magnetic field. ये टॉपिक भी सिलेबस से हटा दिया गया है. नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास ये मैग्नेटिज्म एंड मैटर के अंदर हुआ करता था, मैग्नेट मैटर के अंदर होता है, जहां पे पैरा डाई फेरो के बीच में डिफरेंसेस वगैरह क्या करते थे. और ये आपको बताऊं मैं तो ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था. इसमें आपके पास इसमें आपके पास इसमें डिफरेंस आया करता था. एग्जामिनेशन बोर्ड में 3 मार्क्स का आया करता था. लेकिन अब शायद ये सिलेबस, अब शायद नहीं, बिल्कुल पक्का है, अगर सिलेबस से हटा दिया गया है टॉपिक तो वो डिफरेंस एग्जामिनेशन में नहीं आने वाला. तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट कि अगर आप इसके अगर ये टॉपिक हटा दिया गया है तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो नहीं आने वाले हैं बोर्ड में. तो नेक्स्ट मूव ऑन टू द पैरा डाई पैरो मैग्नेटिक सब्सटेंस विद एग्जांपल एरोक्रोमेट एंड फैक्टर अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंट मैग्नेट. ये टॉपिक भी हमारा हटा दिया गया है. नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है बच्चों वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में से आप देख पाओगे कोई भी किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया गया है. लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में से जो छोटे छोटे टॉपिक हुआ करते थे, पावर फैक्टर और वॉटलेस करंट, जिसमें पावर फैक्टर में जो हुआ करता था एक डेरिवेशन हुआ करता था और इससे रिलेटेड बहुत अच्छे निबंध मार्क्स से क्वेश्चन आया करते थे. लेकिन अब आप देखोगे वो पावर फैक्टर और वॉटलेस करंट, ये दोनों ही टॉपिक सिलेबस से डिडक्ट कर दिए गए हैं. नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. और इसमें से हटा दिया गया है बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट. डिस्प्लेसमेंट करंट ही इसकी शुरुआत हुआ करती थी जिससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को स्टडी किया करते थे. लेकिन अब जो है इसका बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो सिलेबस से डिडक्टेड कर दिया गया है. ऑप्टिक्स की बात करूंगा मैं. ऑप्टिक्स के अंदर 7 नेक्स्ट हमारी यूनिट है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. इसके अंदर बच्चों 7 यूनिट हुआ करती थी. बहुत रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, आपके इंटरफ्रेंस और पोलराइजेशन. लेकिन अब बच्चों एज पर मैं बात कर रहा हूँ, एज पर एज रिफ्रेशर, तो इसमें टॉपिक इसमें से अब क्या किया गया है, जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट था आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है उसे कंप्लीटली हटा दिया गया है. उसको कंप्लीटली रिफ्लेक्शन से शुरुआत रिफ्लेक्शन से होती थी क्योंकि बच्चे इनफैक्ट बच्चों उसको 10th में ही पढ़ लिया करते हैं, शायद इस वजह से इसको हटा दिया गया है. तो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट सारा हटा दिया गया है. प्लस आपका स्केटरिंग ऑफ लाइट, इसमें से बोर्ड में 1 मार्क्स के क्वेश्चन आया करते थे, स्केटरिंग ऑफ लाइट ब्लू कलर पे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आया करते, ये टॉपिक भी सिलेबस से हटा दिया गया है. नेक्स्ट इसके बाद बेटा वेव और रे ऑप्टिक, वेव ऑप्टिक्स में से तो वेव ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स में से कोई भी किसी भी प्रकार का टॉपिक सिलेबस से नहीं हटाया गया. देयर इज नो चेंज इन वेव ऑप्टिक्स. वेव ऑप्टिक्स एज इट इज है, उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया गया है. नेक्स्ट मैं बात करूंगा, ड्यू नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन. ये चैप्टर 4 मार्क्स का वर्क करता था और इस ड्यू नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन में बिल्कुल लास्ट जो टॉपिक हुआ करता था डेविशर जर्मन एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंटल डिटेल हुआ करता था. ये भी बिल्कुल लास्ट टॉपिक मिलेगा आपको एज पर एनसीईआरटी और इसको भी सिलेबस से डिडक्टेड किया कर दिया गया. डेविशन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट वाली 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाया करते थे, इन्हें भी रिड्यूस कर दिया गया है. नेक्स्ट हमारी यूनिट का नाम है एटम एंड न्यूक्लियाई. और एटम एंड मैं बताऊंगा आपको चैप्टर नंबर 12 है. एटम हमारा एनसीईआरटी के हिसाब से और एनसीईआरटी के हिसाब से हमारा जो चैप्टर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 12 में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया गया है, किसी भी कोई भी चेंज नहीं किया गया है. केवल जो चेंज जो चैप्टर नंबर 13 है न्यूक्लियाई, उसमें काफी पार्ट डिटेक्टेड कर दिया गया है. जैसे रेडियो एक्टिविटी का पार्ट अल्फा डीके बीटा डीके, इसमें बहुत अच्छे न्यूमेरिकल आया करते थे. हाफ लाइफ पीरियड, रेडियो एक्टिव डीके लॉ, मीन लाइफ, इसमें न्यूमेरिकल आया करते थे. ये सारा पार्ट भी रिड्यूस कर दिया गया है, केवल सिलेबस में रह गया आपका कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियर. बहुत छोटा सा टॉपिक है. और मास एनर्जी रिलेशनशिप यानी मास डिफेक्ट रह गया है, इसमें न्यूमेरिकल आया करते हैं बच्चों. प्लस इसमें जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, इसमें ग्राफ आया करता था, बड़े अच्छे न्यूमेरिकल कॉन्सेप्चुअल तैयार होते थे, इसको भी सिलेबस से हटा दिया गया है. तो देयर इज नो चेंज इन एटम बट देयर इज चेंज इन न्यूक्लियर. नेक्स्ट और लास्ट यूनिट बच्चों हमारे पास जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की. इसमें पिछले साल ही इसमें ट्रांजिस्टर वाला पार्ट हटा दिया गया था, इसमें से आपका लॉजिक गेट वाला पार्ट हटा दिया गया था. और अब बच्चों इसमें जो है जो एक और पार्ट हटा दिया गया है, दैट इज जीनर डायोड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक. और ये पार्ट भी अब सिलेबस से हटा दिया गया है.
यानी इसका रिलेटेड प्रैक्टिकल भी हुआ करता था, उसको भी सिलेबस से हटा दिया गया है। तो बच्चों मैंने इसको आपको मैं पोस्ट कर दूंगा, इसकी पीडीएफ फाइल भी मैं आपको लिंक पे पोस्ट कर दूंगा, जहां से आप क्लिक करके इसको प्रिंट आउट निकाल पाएंगे आप। तो बच्चों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है जो प्रीवियस सिलेबस था उसके प्रैक्टिकल्स का, 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते हैं और 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल में अब उसको कैसे किया गया है उसको आप देखें। तो आपके पास पहले जो रिकॉर्ड था हमारे पास 15 का था, फिर आपके पास जो है हमें फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इन 2021 में जो कैरिकुलम आया उसके अंदर ये कहा गया कि 12 एक्सपेरिमेंट करवा दीजिए, लेकिन उसके बाद अब इसको दोबारा चेंज कर दिया गया है और दोबारा चेंज में ये किया गया है कि अब आपको रिकॉर्ड ऑफ एटलीस्ट 8 एक्सपेरिमेंट विद P4 फ्रॉम ईच सेक्शन बाय द स्टूडेंट। पहले हमें करने होते थे 15 टोटल, फिर सीबीएसई ने कहा 12 एक्सपेरिमेंट करने हैं सेक्शन ए सेक्शन बी में से 6-6। अब जो है सीबीएसई ने, क्योंकि ये एकेडमिक फैली हुई है इसकी वजह से सीबीएसई ने कहा है कि अब आपको जो करने हैं वो 8 एक्सपेरिमेंट करने हैं, 4 फ्रॉम सेक्शन ए एंड 4 फ्रॉम सेक्शन बी। दूसरी बात, आपके पास 6 एक्टिविटी रिकॉर्ड ऑफ एटलीस्ट 6 एक्टिविटी विद 3 आपको एक्टिविटीज करनी है, लेकिन आपको बताऊं ये बोर्ड में पहले बीच में आया था कि आपको ये एक्टिविटी बोर्ड में भी लिखनी होगी, लेकिन अब ये हटा दिया गया है, लेकिन आपको इसकी रिकॉर्ड मेंटेन करना है जिसमें आपके पास 3 फ्रॉम सेक्शन ए और 3 फ्रॉम, तो देयर इज नो चेंज इन एक्टिविटी। और रिपोर्ट ऑफ द प्रोजेक्ट बी कैरिड आउट बाय द स्टूडेंट, ये भी मैं आपको बताऊं ये जो पार्ट है रिपोर्ट वाला जो पार्ट है इसको भी हटा दिया गया है, ये भी हटा दिया गया है, ये अब आपने नहीं बनानी है, देयर इज चेंज रिपोर्ट नहीं बनानी है आपको। तो जो नया मार्किंग स्कीम आई है, जो पुरानी मार्किंग स्कीम होती थी बच्चों उसमें आपके पास आप देखेंगे 3 आर का एग्जाम हुआ करता था बोर्ड का, जिसमें 2 एक्सपेरिमेंट करने होते थे आपको जो 7-7 मार्क्स के होते थे, आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी जो लिखते आप बनाते थे वो 5 मार्क्स का हुआ करता था, एक एक्टिविटी लिखनी होती थी, एक एक्टिविटी लिखनी होती थी या लिखनी होती अगर मान लो कोई एपेडेमिक नहीं फैलता, जो 3 मार्क्स जो बोर्ड ने कहा था इस बार से आपको नया 2021 में नया थोड़ा सा उन्होंने कि एक एक्टिविटी भी आपको लिखनी होगी बोर्ड में, प्लस इन्वेस्टिगेट रिपोर्ट 3 मार्क्स की होगी और वाइवा वोसी जो है वो एक्टिविटी और प्रोजेक्ट जो होगा वो 5 मार्क्स का होगा बच्चों। लेकिन ये जो है ये जितना भी है ये कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है। अब आपका जो नया जो इवेल्युएशन स्कीम आई है उस इवेल्युएशन में प्रयोग 3 आर का एग्जाम होगा आपका, लेकिन इसमें जो 2 एक्सपेरिमेंट पहले 7 और 7 मार्क्स के थे अब वो एक्सपेरिमेंट जो है वो दोबारा 8+8 के हो गए हैं। पहले ये 8+8 के थे, 2021 में जब कैरिकुलम आया तो इसको 7-7 का क्या कर दिया, लेकिन अब कोविड की वजह से अब इसको दोबारा 8+8 का कर दिया गया है। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड और जो एक्टिविटी फाइल आप बनाएंगे जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी है वो 7 मार्क्स की कर दी गई है। पहले बच्चों आपके पास अगर आप देखें तो पहले 5 और 5 मार्क्स की थी, 5 और 3 यानी 8 मार्क्स की कर दी गई थी, लेकिन अब इसको दोबारा से चेंज कर दिया गया है और दोबारा चेंज करके इसको 7 मार्क्स का कर दिया गया है। अगली चीज जो वाइवा और एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी यानी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट अब से आपको नहीं बनानी होगी, नो आपको दिखाई देगा यहाँ पे मैं लिखा हुआ है नो इन्वेस्टिगेटरी रिपोर्ट एंड एक्टिविटी टू बी डेमोस्ट्रेटेड, ठीक है, कोई डेमोस्ट्रेटेड एक एक्सपेरिमेंट क्लब्ड बेस्ड ऑन स्किल इन प्लेस ऑफ 12। अब आपको जो एक्टिविटी जो करनी है वो आपके 12 की जगह जो करनी है आपको 8 एक्सपेरिमेंट करने हैं, एक्टिविटी टू बी डेमोस्ट्रेटेड नो इन्वेस्टिगेटेड प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटी टू बी डेमोस्ट्रेटेड नो इन्वेस्टिगेटरी रिपोर्ट इस बार से नहीं होगी, आपका इन्वेस्टिगेट रिपोर्ट नहीं है मेन वाली वाले, इस बार इन्वेस्टिगेट रिपोर्ट आपको नहीं बनानी है। वाइवा जो होगा वो 7 मार्क्स का हो गया, पहले शुरू में ये 5 मार्क्स का हुआ करता था, लेकिन आप देखेंगे पिछले पहले ये 5 मार्क्स का हुआ करता था, लेकिन अब इसको ट्रांसफॉर्म करके अब इसको 7 मार्क्स का, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, पहले 7-7 आपका 5-3-3-5 का हो गया था, लेकिन अभी हो गया 8+8 7-7 में, और आपको इंडस्ट्री रिपोर्ट नहीं बनानी है। बात करते हैं सेक्शन ए जो एक्सपेरिमेंट आपको करने हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में जो 2021 में पहला एक्सपेरिमेंट आया था उसमें भी वैसे चेंजेस था, लेकिन अब उसको उसमें एज इट इज आपका ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल है जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया गया है। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट बोर्ड की तरफ से आया था बच्चों वो आया था टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वायर एंड स्टैंडर्ड रेजिस्टर यूजिंग मीटर ब्रिज, ये पहले ये आपके चॉइसेस में नहीं था, लेकिन नाउ यू आर हैविंग 3 choices, अब आपका 3 में से कोई एक करना है आपने, क्योंकि जैसे मैंने आपको थ्योरी बताया था रेजिस्टेंस सीरीज रेजिस्टेंस पैरेलल सिलेबस से हटा दिया गया है, तो ये भी आपका अब इसमें चॉइस हो गई है, अब आपको वेरिफिकेशन लॉ सीरीज
वेरिफिकेशन लॉ पैरेलल, इन तीनों में से कोई एक प्रैक्टिकल आपको बोर्ड में करना होगा। तो टू फाइंड द रेशियो ऑफ गिवन वायर स्टैंडर्ड रेजिस्टर्ड यूजिंग मीटर ब्रिज या आपके पास रेजिस्टिविटी, ये आपका टू वेरीफाई द लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन, इनमें से कोई एक करना है। चेंज है जो चेंज मैंने आपको लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, चेंज जो किया गया है वो एनीवन कोई एक करना है आपको। नेक्स्ट मैं बात करूंगा जो आपके पोटेंशियोमीटर के प्रैक्टिकल हुआ करते थे, दो प्रैक्टिकल क्या करते थे रेगुलर में हम लोग, लेकिन अब इन दोनों प्रैक्टिकल में से कोई एक प्रैक्टिकल करना होगा हमें पोटेंशियोमीटर का, चाहे आप ईएमएफ ऑफ कंपेयर ऑफ ईएमएफ कर लें, चाहे आप इंटरनल रेजिस्टेंस का कर लें बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास बाकी सारे एक्सपेरिमेंट कोई चेंज नहीं है। गैल्वेनोमीटर का प्रैक्टिकल जो मैग्नेटिज्म बेस्ड है इसमें कोई चेंज नहीं है। तो गैल्वेनोमीटर आपके पास नीचे वाले जो एक्सपेरिमेंट पहले चॉइसेस नहीं हुआ करती थी, अब इसमें चॉइसेस हैं, वही चेंज नहीं है। दोनों में से आपको दोनों में से फिक्स फिफ्ट और पहले ये अलग हुआ करता था, लेकिन अब इन दोनों में से कोई आपको एक करना है। टू कन्वर्ट द गिवन गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस एंड फाइंड द मैरिट फिगर ऑफ मैरिट, या इन दोनों में से कोई एक एक्सपेरिमेंट आपको करना है। और लास्ट वाला प्रैक्टिकल जो है आपके उसमें कोई चेंज है, तो पहले जहां पे 8 पहले 9 हुआ करते थे, फिर 8 हो गए, और आज आपके पास केवल 6 एक्सपेरिमेंट रह गए हैं, उनमें भी 6 एक्सपेरिमेंट है, उनमें भी बहुत सारी चॉइसेस हैं। नेक्स्ट मैं बताऊं एक्टिविटीज जितनी भी थी, जितनी भी एक्टिविटी सेक्शन ए के नीचे थी, इनमें कोई भी किसी भी प्रकार का चेंज नहीं है। सेक्शन बी में से बात करूं बच्चों, और मैं सेक्शन बी में करूं तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ करता था टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वी फ्रॉम डिफरेंट वैल्यू ऑफ यू इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड टू फाइंड द फोकल लेंथ। इसको सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, दैट प्रैक्टिकल इज नॉट इन योर सिलेबस नाउ। नेक्स्ट बाकी ये दो और सेकंड वाले में आपको दिख रहा होगा और लगे हुए हैं, पहले ये और नहीं हुआ करता था, इन दोनों में दोनों प्रैक्टिकल को आपको करना होता था, लेकिन अब बच्चों इन दोनों में ही चॉइस है टू फाइंड द फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव लेंस, कोई भी एक आपको करना है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन, ये आपका एक्सपेरिमेंट एज इट इज है, इसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं है। बाकी इसमें आप देखें नो चेंज, आप दिख रहा होगा नो चेंज किसी भी प्रकार का कोई भी आपके पास। जो बाकी हम अगर लेकर चले तो हमारे पास सेक्शन बी, जो सेक्शन बी के अंदर कोई भी प्रकार का चेंज नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। सिर्फ जो चेंज है वो ये कि पहला आपका पहला जो यू और बी वाला जो प्रैक्टिकल है, यू और बी वाला प्रैक्टिकल कॉनकेव मिरर एंड टू फाइंड फोकल लेंथ, और ज़ीनर डायोड वाला प्रैक्टिकल हमारे डिलीट हो चुका है क्योंकि हमारे कोर्स स्ट्रक्चर से भी डिलीट हो चुके हैं। प्लस जो बात है वो ये कि बाकी जो हमारा कॉनकेव फोकल लेंथ, कॉनकेव लेंस की और जो हमें फोकल लेंथ निकालनी होती थी उसमें हमारे पास जो है दोनों में चॉइसेस आ गई हैं, दोनों में चॉइसेस आ गई हैं हमारे पास, जहाँ जो हमारे पास ये है टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस एंड टू फाइंड द फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस यूजिंग कॉन्वेक्स, दोनों में चॉइसेस हैं। बाकी अगर बात करें सेक्शन बी की एक्टिविटीज की, तो बच्चों इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं है, कोई भी कहीं से लेकर कहीं तक कोई चेंज नहीं है। तो मेन है मार्किंग स्कीम का इस बार, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कहूंगा आपको याद रखने की, इस बार आपके पास किसी भी तरीके का इन्वेस्टिगेटरी रिपोर्ट आपने नहीं बनानी है किसी भी तरह, जो आपको क्लियर होगा कि नो इन्वेस्टिगेट प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड। तो बच्चों मेघालय में अब आपको जो है जो हमारा कोर्स स्ट्रक्चर जो है जो हमारा कोर्स स्ट्रक्चर है वो आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली करना क्या है। मेघालय में हमने पूरे कैरिकुलम को देख लिया है, पूरे कैरिकुलम को हमने देख लिया कि पूरा कैरिकुलम हमारा क्या होगा। बैक टू यू स्टूडेंट्स, अब आपको मैंने जो पूरा मैंने आपको प्रैक्टिकल पूरा आपको बता दिया कोर्स स्ट्रक्चर क्या होगा, और ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी था, बच्चे कंफ्यूज ना हो आप उस तरीके से प्रिपेयर कर सके, तो एक स्टूडेंट के कैरिकुलम जाना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस साल में ये रही है कि बार बार कैरिकुलम चेंज होता रहा है। पहले 1920 में कुछ और कोर्स स्ट्रक्चर कुछ और था, 2021 के बिगिनिंग में कुछ और आया, और अभी कोविड की वजह से अब सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो बच्चों मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप एक काम करें, इसका एक प्रिंटआउट निकालें, जो न्यू सिलेबस आया है जिसके पीडीएफ फाइल मेरे लिंक पे एडेड है, आप वहां से पीडीएफ निकाल लें, और पीडीएफ निकालने का अपने अपनी नोटबुक में कर लें। तो इसलिए मैंने वो जो रेड से मैंने एलर डिफरेंशिएट इसीलिए किया ताकि आप 2021 में जो कोर्स स्ट्रक्चर आया था और उसमें क्या चेंज है उन्हें आराम से डिफरेंशिएट कर सके। मेरी आपसे यही कोशिश है, या आप यही एक रिक्वेस्ट भी है, और मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मैं आपको एक अच्छे वीडियो के साथ मैं आपके साथ आता रहूं ताकि आप लोगों किसी तरीके से अपनी आप 90 सब ईश्वर करे आप सब 90-95 स्कोर करें बहुत अच्छी तरीके से समझें। ठीक है स्टूडेंट, तो दैट्स ऑल फॉर, मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा अगर मेरी बात समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।